बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी अपने नए साल की छुट्टी के लिए रवाना हो गए हैं। कपल को 28 दिसंबर 2022 की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दोनों ने साथ में स्माइल के साथ पैपराजी को पोज भी दिए। ऐसा लग रहा है कि वह किसी विंटर डेस्टिनेशन के लिए निकले हैं। एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाने के दौरान विराट व्हाइट स्वेटशर्ट और ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट टोपी और व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए थे। उन्होंने अपना हाथ अनुष्का के कंधे पर रखकर पैपराजी को पोज दिए। अनुष्का ब्लैक हाईनेक और डेनिम के साथ वुलन कैप और हाथ में व्हाइट जैकेट लिए हुई थी। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने मास्क भी पहन रखा था। अनुष्का ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग पूरी की है, जो पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर की कप्तान झूलन गोस्वामी पर एक बायोपिक है। उन्होंने शूटिंग के आखिरी दिन सेट से कई तस्वीरें पोस्ट की है। आखिरी दिन झूलन भी उनके साथ शामिल हुई थी। तस्वीरों में झूलन और अनुष्का टीम की जर्सी व उस पर एक क्लैपर बोर्ड के साथ बने कस्टम मेड केक कटिंग में हिस्सा लेती हुई दिख रही हैं। आखिरी शॉट के लिए झूलन ने क्लैप बोर्ड थाम भी रखा था। अनुष्का आखिरी बार 2018 में अपनी बेटी वामिका के जन्म से पहले फिल्म जीरो में शाहरुख खान के साथ नजर आई थी। इसके पहले 25 दिसंबर 2022 को अनुष्का ने अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें फैंस को उनका मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला था। फिलहाल तो हमें विराट और अनुष्का के वैकेशन की तस्वीरों का इंतजार है। दोस्तों, आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।